मैं सभी पत्रकार साथियों का, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लगातार 2 वर्ष संसद की कार्रवाई को जनता के सामने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, इस संस्था की मर्यादा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यहाँ संसद में होने वाली चर्चा, संवाद, वाद विवाद या जो मंथन होता है, उस मंथन से जो परिणाम निकलता है वो देश के कल्याण के लिए होता है। और हमारी कोशिश रही कि इस 2 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, और इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जो देर रात्रि तक जिन्होंने बैठकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया, विधायक कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, अपने क्षेत्र की जनता की भावनाएं, समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया, उसके समाधान का प्रयास किया। इसी कारण लोकसभा की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इन 5 सत्रों के अंदर 122% रही। पिछले बजट सत्र से लेकर लगातार अभी 1 वर्ष तक हम कोरोना संकट की महामारी से मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय भी माननीय सदस्यों ने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, देर रात तक सदन में बैठे, जनता की समस्याओं, कठिनाइयों को रखा और राष्ट्रहित में कानून बनाने का काम भी किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री, सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी दलों के नेता, सभी माननीय सदस्यों को 2 साल के इस कार्यकाल के लिए उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उनके सक्रिय प्रयासों से, सहयोग से ही हम सर्वसम्मति से सदन को चला पाए और परिणाम दे पाए। जहाँ तक लोकसभा के अंदर प्रोडक्टिविटी या अन्य विषय हैं, उसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। उसके साथ साथ हमने देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए भी देश की सर्वोच्च संस्था होने के कारण हमने हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष होने जा रहे हैं, हमने 3 पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया,
देहरादून में किया, केवड़िया गुजरात में किया, दिल्ली में किया और कई सार्थक चर्चा हुई ताकि हम तमाम संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें। ये संस्थाएं जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरी कर सके, ये संस्था जवाबदेही के साथ काम कर सके, कार्यपालिका पर नियंत्रण और निगरानी रखने का काम कर सके ताकि जनता की अपेक्षा आकांक्षा को पूरी हो सके। जहाँ तक लोकसभा के प्रोडक्टिविटी का सवाल है, विधि निर्माण में हमने जो कानून बनाने का काम है वह लोकसभा की सबसे प्राथमिकता रहती है और 107 विधेयक पारित हुए, 102 विधेयक प्रस्तापित हुए और विशेष रूप से कानून बनाने में 1764 मान्य सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए उन सभी महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिजनेस एडवाइजर कमिटी से आवंटित समय से ज़्यादा समय चर्चा हुई, देर रात्रि तक चर्चा हुई ताकि राष्ट्रहित के अंदर हम बेहतर कानून बना सकें। इसी तरीके से हमने प्रश्नकाल जो महत्वपूर्ण काल होता है उसके अंदर अधिकतम प्रश्न सदन के पटल पर आए हैं। पिछले हम रिकॉर्ड को देखें तो अनुमानित औसत 4% रहता था, अब प्रश्न का रिकॉर्ड 5.37 रिकॉर्ड रहा है। हम और कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम और प्रश्नों को सदन के पटल पर ला सकें ताकि माननीय मंत्री जी उनका ठीक से जवाब दे सकें। प्रश्नों काल में सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, उनकी क्रियान्वति सब पे निगरानी होती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, इसका अधिकतम उपयोग हो। इसी तरीके से 377 भी एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से माननीय सदस्य सदन में अपने क्षेत्र की समस्याएं, देश की प्रमुख समस्याओं को उठाते हैं और माननीय मंत्री जी उसका जवाब देते हैं। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 60-65% ही जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए जाते थे, अब 90% से ज़्यादा जवाब तय समय अवधि पर माननीय सदस्यों को दिए जाते हैं। उसी तरीके से शून्यकाल के अंदर भी हमने कोशिश की कि सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले और इसके लिए क्योंकि शून्यकाल एक महत्वपूर्ण विषयों को अविलंब लोकमत के विषयों को उठाते हैं, माननीय सदस्य अपने लाखों जनता का जनप्रतिनिधित्व करते हैं तो शून्यकाल के विषय के माध्यम से उस क्षेत्र की समस्याएं, परेशानियां, कठिनाइयां सदन में उठाते हैं, सरकार ने भी उसके सकारात्मक जवाब देने का प्रयास किया है, ये भी इस कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि माननीय सदस्यों को उसका जवाब मिला। इसी तरीके से तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो, संवाद हो, इसके लिए हमने एक अच्छे वातावरण बनाने का काम किया। जहाँ तक सदनों की बैठक का सवाल है,
114 बैठके, जो अभी तक हम 14वीं-15वीं लोकसभा से देखें तो सबसे ज़्यादा बैठक हुई और ज़्यादा घंटों तक चली, देर रात्रि तक भी चली। आप लोगों को भी बहुत परेशानी हुई, कठिनाई हुई देर रात्रि तक सदन चलने में, लेकिन पत्रकार हो, सचिवालय अधिकारी कर्मचारी हों और विशेष रूप से सक्रिय भागीदारी भाग लेने वाले माननीय सदस्यों, उसमें विशेष रूप से सहयोग दिया। कुछ इनोवेशन हमने किए कि जितने भी माननीय सदस्य हैं उनका क्षमता का निर्माण हो, वो डिबेट के अंदर वाद विवाद में हिस्सा लें तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने 24 घंटे हमारी रिसर्च विंग को ऑनलाइन किया और जब भी कोई माननीय सदस्य किसी विषय पर रिसर्च पेपर चाहता है तो उनको उपलब्ध कराते हैं। हमारा ग्रंथालय लाइब्रेरी भी विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हमने कोशिश की कि जितनी भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को डिजिटल तरीके से, कौन कौन सी पुस्तकें वह डिजिटल लाइब्रेरी में देख सकें, और माननीय सदस्यों की मांग पर होम डिलीवरी, उसके घर तक पुस्तक पहुंचाने के लिए भी हमने प्रयास किया। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय यात्रा का प्रश्न है, इंटर पार्लियामेंट यूनियन, अंतर संसदीय संघ, उसकी समितियों के अंदर भी 10 से ज़्यादा सदस्य, माननीय सदस्य निर्वाचित हुए, जो भी अभी तक का रिकॉर्ड है। आईपीयू के अध्यक्ष यहाँ पर आए थे और समय समय पर हम हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की संवैधानिक परंपरा, परिपाटी, नियम, प्रक्रियाएं और कैसे भारत में लोकतंत्र सशक्त मजबूत है, इसके बारे में समय समय पर विश्व के अन्य संसदीय संस्थाओं को भी जानकारी देते रहते हैं। और कई देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके सचिवालय के कर्मचारी यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। हम प्राइड संस्था के माध्यम से हमारी प्रशिक्षण के दायरे को और बढ़ा रहे हैं। इसके लिए समय समय पर इंटरनेशनल स्तर का हमारा प्रशिक्षण हो। लोकतंत्र हमारी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है, सहज रूप से भी हमारे जीवन की कार्यशैली में लोकतंत्र है, क्योंकि गांवों से लेकर अभी तक हम देखें तो लोकतंत्र की यात्रा हमारी सुखद रही है। और आज़ादी के बाद हमने लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए काम किया है, जनता का भी लोकतंत्र के प्रति विश्वास भरोसा बढ़ा है। इसलिए 17 आम चुनावों के अंदर लगातार मत प्रतिशत का बढ़ना, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ना, ये हमारे लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होना, ये भी इतने बड़े लोकतंत्र की विशेषता है जो शायद विश्व के बहुत कम देशों के अंदर मिलती है। मुझे आशा है कि हम देश की सर्वोच्च संस्था संसद को और सशक्त बनाएंगे, और मजबूत बनाएंगे, और जवाबदेही बनाएंगे, ताकि यहाँ पर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा पूरी हो सके, जनता की परेशानियों को कम कर सकें और जनता सुखद अनुभव महसूस करे। इसके लिए संस्था हमारे लगातार प्रयास करती रहेगी। देश की जनता का भी संसद के प्रति विश्वास बढ़ाए, भरोसा बढ़ाए, इसलिए मैं बार हमेशा माननीय सदस्यों से आग्रह करता रहता हूँ कि संसद में चर्चा हो, संवाद हो, वाद विवाद हो, व्यवधान न हो, यह हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। और इस मूल मंत्र को सभी
देश और राज्य की संस्थाएं भी अपना रही है और हम सब एक अच्छा वातावरण बना रहे हैं कि धीरे धीरे संस्थाओं में बेल माना, प्ले कार्ड लेना, नारेबाजी करना, इस प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करें और डिबेट और चर्चा और संवाद की प्रवृत्ति और परंपरा को और सुदृढ़ करें। मुझे आशा है कि आप सबके सहयोग से हम इसको और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, पारदर्शिता बनाएंगे, जवाबदेही बनाएंगे और आपका इसमें विशेष रूप से सहयोग रहता है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।